Assalamu alaikum, Izaz Ul Mulk sahab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Izaz sahab, aapko hum apne program Muqalma mein khush aamdeed kehte hain aur aapka bahut shukriya ada karte hain ki aapne itne thode se waqt mein is program mein aane ki daawat qubool ki. Bahut meherbani yani Mohsin sahab, bahut meherbani. Izaz sahab, जो बात जिससे हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाह रहे हैं वो ये कि हम जानना चाह रहे हैं आपकी जिंदगी के बारे में कि आपकी जिंदगी का सफर है क्या, और इसमें खास करके हम ये भी जानना चाह रहे हैं कि आपके वालिदे मोहतरम और आपकी जो वालदा मोहतरमा हैं उन्होंने आपको जिंदगी में क्या नसीहत की, और वो कौन सी नसीहत है कि जिसको लेकर के आपने अपनी जिंदगी का सफर का आगाज किया. आपका रोजगार कैसे आप कमाते हैं, आपके कितने बच्चे हैं, और आपने अपने घर वालों के लिए क्या जिंदगी का प्लान बना के रखा है. तो यहां से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे. शुक्रिया अली मोहसिन साहब, मेरे बारे में अगर ज्यादा न पूछा जाए तो बेहतर है. मैं बस एक गरीब घराने में पैदा हुआ हूँ. मेरा वालिद साहब हकीम थे और दूर दूर से लोग इलाज मालजे के लिए आते रहते थे, और एक घर था हमारा, जमीन तो किसी दूसरे की थी, और घर हमने उस पर हमारे वालिदैन ने सालों पुराना उस पर बनाया था. तो बस मैं प्राइमरी तालीम अपने गांव में मैंने मुकम्मल की, और इसी तरह हायर स्कूल समरबाग से और फिर तेमलगढ़ से, और इसी तरह मैं सियासियात का तालिब इलम रहा हूँ. तो मुश्किल गुजर अवकात होता था तो इस तरह सात तालीमी सिलसिला भी जारी रखता रहा हूँ, और आम सा तालिब इलम था. बस स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेता था, खासकर वॉलीबॉल में, और इसी तरह मैं बज़्मे अदब के प्रोग्रामात में भी शिरकत करता था और तकरीरी मुकाबलों में स्कूल की तरफ से हिस्सा लेता था. और इसी तरह मेडल से ही इस्लामी जमीयत तलबा से वाबस्ता हुआ था, और उन्होंने साथ लेकर अब कॉलेज तक इसी तरह मुख्तलिफ जिम्मेदारियों तक पहुँचा, या स्कूल की जिम्मेदारी से ले तक सूबाई जमीयत की जिम्मेदारी रही, और इन्होंने मुझे पारिश करके इस मुकाम तक पहुंचाया है. और मेरे वालिदैन बिल्कुल वो मजहबी घराने से हमारा ताल्लुक है, और मैं सिर्फ वालिदैन से दुआओं ही का मुतमन्नी था, और वो मुझे सिर्फ दुआएं देते थे. माशी तौर पर तो जाहिर है वो मुस्तहकम नहीं थे मुझे सपोर्ट करने के लिए. तो दो सहबाब मेरे साथ मुख्तलिफ अवकात में ताउन किया करते थे और मेरे ज़रूरियात को पूरा करते. 2013 को मेरा वालिद साहब वफात पा चुके हैं. 2017 को मेरा वालिदा साहिबा भी फौत हो चुकी है. अब मेरे चार बच्चे हैं, एक बच्ची है, और हम चार भाई हैं. पांचवा भाई जो मुझसे बड़ा था वो कैंसर का मरीज था, तो खुद प्रैक्टिस भी कर रहा था, होम डॉक्टर था, तो वो भी वफात पा चुके हैं. वो इंडी में उनका क्लिनिक था, और उस दौर शबाब मिलने का बहुत पार कारकुन रहा है वो, और खिदमतगार नौजवान था, तो वफात पा चुके हैं. और इसी तरह मैं अब शिफ्ट हो गया हूँ अपने पुराने घर से. मैं अपने दोस्तों के साथ, फिर उनके सोसाइटी थी कारोबार के, उन्होंने साथ ले लिया, मैं मार्केटिंग करता रहा, और उन्होंने फिर मेरे लिए घर बना दिया है, और इसी में अपने बाल बच्चों के साथ रिहाइश पजीर. इजाज़ उल मुल्क अफकारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया. बहुत मेहरबानी है मोहसिन साहब. साथियों को सलाम. जी, सलाम.